हेलो बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे आज जो 21 तारीख के दिन भौतिक शास्त्र का पेपर हुआ है, इसके सारे आंसर्स हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर पहला सही विकल्प में से इसका सही आंसर होगा, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, जेना डायोड है, ओमीय प्रतिरोध है, ये तांबे का तार जो है ओमीय प्रतिरोध है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से अधिक होती है। ठीक है बच्चों, एक प्रोटॉन की न्यूनतम आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ होती है। ठीक है बच्चों, किसी कुंडली का त्वरित स्वप्रेरक निर्भर करता है कुंडली में प्रभावित धारा पर। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो ये किस में उत्पन्न होती हैं? त्वरित आवेश में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यह खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान में पहला है। यहाँ पर सबसे अधिक आवृत्ति का विद्युत चुंबकीय तरंगें गामा किरणें होती हैं। धारावाही प्रणालिका बंद चुंबक की भांति व्यवहार करती है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, पर आधारित है बच्चों। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, NAND गेट का बुलियन व्यंजक y = a.b = होता है ना, बराबर, मतलब बराबर a.b बराबर। छठवां नंबर में प्रक्रियण आएगा, सातवें नंबर में समांतर क्रम आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए सही जोड़ी में यहाँ बताया गया है, फर्स्ट का डी नंबर का आंसर होगा, फर्स्ट की सही जोड़ सही मैच होगा डी, सेकंड का सही मैच होगा आई, थर्ड का सही मैच होगा वी बच्चों, फोर्थ का सही मैच होगा जे और फिफ्थ का सही मैच होगा सी। ठीक है, और सिक्स्थ का जी एंड सेवन्थ का ई। यहाँ पे मैंने सारे आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि जो एक वाक्य में उत्तर दें, एक वाक्य में उत्तर दें का हम सही उत्तर जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो 1/2 फोकस दूरी है ना, इसका सही एक वाक्य में उत्तर दें का आंसर होगा इसका। दूसरा, यहाँ देखिए, किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो ये होता है नॉट गेट, नॉट गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है। जो अगला है हमारा, लेंज का नियम के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। देहली आवृत्ति क्या है? देहली आवृत्ति, इसकी परिभाषा आप लिख दें, है ना, परिभाषा थोड़ी लंबी हो जाती है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, देहली आवृत्ति आप लिख दें। अगला है हमारा, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे, जैसे स्टूडेंट्स हो, मैंने यहाँ पे सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, 5वां 6वां 7वां, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है आगे पीछे हो गया है, तो आप इसे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर आप ये आगे मैंने सारे क्वेश्चन आंसर दिए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी अगले वर्ष ये पेपर देंगे, है ना, तो उनके लिए मैंने ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर पूरा सेट किया हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, आई होप आपके सारे पेपर्स अच्छे जा रहे होंगे। ठीक है, चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो कोई नए स्टूडेंट्स हैं, इससे क्या होगा, आने वाले वीडियोज़ पे आपको हेल्प मिलेगी, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।